हाय एवरीवन वेलकम टू जे केमिस्ट्री सो गाइस ए टेस्ट सीरीज में आज अपना टेस्ट है इक्विलिब्रियम प्लस सॉल्यूशंस वाले चैप्टर का अ स्टूडेंट्स बी ए आर सी का एग्जाम देंगे ये तो पक्का है कि वो नेट या फिर गेट के लिए प्रिपेयर या तो कर चुके होंगे या कर रहे होंगे अभी तो उनको ये पता है कि नेट और गेट में इक्विलिब्रियम या फिर सॉल्यूशन वाले चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो मेजोरिटी ऑफ अस हम लीवी कर देते हैं कि नहीं पढ़ेंगे उसके लिए है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ये टेस्ट के क्वेश्चन देखोगे आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चन नहीं है सिंपल जो अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है फिजिकल केमिस्ट्री की उसको यूज करके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो यहां से मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ क्योंकि ये

बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री पता है ना उसी को यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करो आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी पंद्रह मिनट के अलार्म लगाओ सॉल्व करने का ट्राई करो ज़्यादा कुछ भी नहीं है बहुत सारे फॉर्मूले के रिक्वायरमेंट नहीं है सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी उसको लेके आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो एक बार जाके अपना टेस्ट दे लो पंद्रह मिनट के अलार्म लगाना अलार्म ऑफ होते ही रुक जाना चेक कर लेना ठीक है आंसर सबने चेक कर लो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए जिस भी ऑप्शन के आगे एस्ट्रिक बना हुआ है वो उसका आंसर है ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन ऑप्शन सी थर्ड बी फोर्थ डी फिफ्थ सी सिक्स बी सेवेंथ डी एट ऑप्शन ए नाइन्थ सी एंड टेंथ ऑप्शन बी, ठीक है? अभी स्टार्ट करते हैं इनका सोल्यूशन देखना अगर आपने नहीं भी पढ़े ये वाले चैप्टर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है एक बार आप ना ट्राई करो समझने की आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पे ये ग्राफ दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का और साथ में ये वाली एक, एक रिएक्शन भी दे रखी है अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे इक्लिब्रियम कॉन्सटेंट की वैल्यू हो, क्या होगी मैं वही फाइंड आउट करनी है ग्राफ को भूल जाओ सिर्फ इसको देखो तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो इक्लिब्रियम कॉन्सटेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर टू अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इसमें तो कोई बहुत बड़ी केमिस्ट्री नहीं लगाई हमने सिंपल है है ना इसके बाद आपको इसी की वैल्यू बतानी है अब अगर केसी फाइंड आउट करना चाहते हैं हम तो हमें बी की कॉन्सेंट्रेशन और ए की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगी एक और चीज़ ये इक्लिब्रियम कॉन्सटेंट है ना तो ये कॉन्सेंट्रेशन भी इक्लिब्रियम वाली ही होगी अगर हम एक नॉर्मल इक्िब्रियम की बात करते हैं इक्लिब्रियम पर क्या होता है एक तो ये चीज़ है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड स्टेप इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड स्टेप हो जाता है पहली बात तो ये उसके बाद अगर बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे कॉन्ट्रेशन इक्वल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है ध्यान से सुनो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है लेकिन एक चीज फॉर श्योर है कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगी उसके बाद फर्दर चेंज नहीं आएगा जैसे यहां पर देखो एक ही कॉन्सेंट्रेशन एक क्या रिएक्टेंट है अपना डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी डिक्रीज हुई हुई ऐसे ऐसे करके यहां पे आने के बाद कॉन्स्टेंट हो गई है ऐसे ही बी के साथ हुआ है पहले इंक्रीज करना स्टार्ट हो यहाँ पे इंक्रीज कर दी गई करती गई और यहाँ पे जाके कॉन्सटेंट दैट मीन्स यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ चुका है जिसके बाद उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है तो हमें ये ध्यान रखना है कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम पे इक्वल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती वो हम रिएक्शन देख के नहीं बता सकते लेकिन हाँ हम ये पक्का बता सकते हैं कि जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा तो कॉन्सेंट्रेशन फर्दर चेंज नहीं होगी ठीक है इसलिए ग्राफ ऐसा है तो यहां से हमें समझ में आया कि ये वाली कॉन्सेंट्रेशन कितनी है पॉइंट फोर मोलर तो क्या है ये बी की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है तो यहां पे मैंने बी के प्लेस पे लिखा इसका स्क्वायर डिवाइड बाय डिवाइड बाय इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विच इज पॉइंट वन तो यहां लिखेंगे पॉइंट वन अब कर लो सॉल्व ये हो गया पॉइंट वन सिक्स बायट वन कितना आया वन पॉइंट सिक्स ठीक है इस तरह से तो क्या है ये जो वैल्यू आई है अपने पास दिस इज ग्रेटर देन वन ठीक बात है तो मार्क कर दो ऑप्शन ए सही है आगे चलते हैं यहां पर आपको इक्विलिब्रियम गिवन है व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच के पी केसी के सी विल बी इक्वल टू थ्री आपको बताना टेम्परेचर कितना होगा जिस पे ये वाला रिलेशन करेक्ट हो जाए कैसे करेंगे अब देखो जो केपी होता है केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी टू दावर डेल्टा एन जी ठीक है और हमें गिवन है के पी बाई के सी इज इक्वल टू थ्री है और केपी ब्रैकेट में लिखा गया एम और यहाँ पे मोलर ठीक है मैं केपी का ना सेम फॉर्मूला यहाँ पर लिख देती हूं क्या हो जाएगा मैंने केपी के प्लेस पे लिखा के सी इन टू आर टी टू दावर डेल्टा एन जी डिवाइड बाई केसी इज इक्वल टू थ्री यहां से के सी तो कैंसिल हो गया काम ही खत्म क्या बचा आर टी टू दावर डेल्टा एन जी इज इक्वल टू थ्री है ना इस वाले रिएक्शन के लिए हम डेल्टा एन जी फाइंड आउट करेंगे कैसे करते हैं ये क्या है ध्यान रखना हम सिर्फ गैश स्पीशीज को ही कंसिडर करते हैं प्रोडक्ट वाली साइड पे वन प्लस वन टू हो गया माइनस यहां पे कितना है एक ही मोल है वन हो गया गैशियस ध्यान रखना बस गैशियस को ही काउंट करना है सो टू माइनस वन इज वन तो यहाँ से अपने पास आ गया आर टी दावर वन इज इक्वल टू थ्री और यहाँ से टेम्परेचर इज इक्वल टू थ्री अपोन आर अब सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे ए टी एम मैंशन कर दिया गया है ना तो आपके आर की जो वैल्यू है उसको भी ए टी एम लीटर वाली वैल्यू को ही पुट करोगे तो यहाँ पर ही हो जाएगा थ्री अपॉन जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन ए टी एम लीटर वाली वैल्यू है ये एटीएम लीटर पर कैलविन पर मोल तो ऐसे करके जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आएगा थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव फोर ठीक है और मार्क करेंगे हम ऑप्शन सी करेक्ट है आगे चलते हैं यहां पर आओ देखने में क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बड़ा लग सकता है बट एक्चुअली बहुत ईजी है एक बार देखो आपको ये बोला गया है जो ये वाली रिएक्शन है ना इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये है 200 हंड्रेड कैलविन पे इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम इज अटेंड 10 टाइम्स फास्टर इस वाले रिएक्शन को अगर हम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करवाते हैं तो जो इक्विलिब्रियम आया वो कितना है टेन टाइम्स फास्टर आया है ठीक है आपको ये बताना है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कितना होगा टू हंड्रेड पे तो ये वाली बात हमने आई थिंक केमिकल कैनेटिक्स वाले टेस्ट में मैंने एक बार बोली थी कि अगर हम बात करें कैटलिस्ट की इक्विब्रियम को जल्दी अप्रोच करने में हेल्प करेगा क्योंकि फॉरवर्ड स्टेप और बैकवर्ड स्टेप के रेट को इक्वल अमाउंट से बढ़ाता है वो ठीक है तो इक्लिब्रियम जल्दी आ जाता है लेकिन इक्लिब्रियम जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है उसके अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करती ठीक है तो चाहे आप कितना ही कैटलिस्ट ऐड कर दो वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देगा इक्विलिब्रियम जल्दी पहुंच जाएगा इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फिर भी सेम ही रहने वाली है जब तक आप टेम्परेचर को चेंज नहीं करवा रहे हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो यहां पर कोई कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है जितना पहले था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी भी उतना ही है सेम मार्क करो फोर इंटू टेन टू दावर माइनस फोर जब तक टेम्परेचर सेम है वैल्यू भी सेम रहेगी ठीक है कैटलिस्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला यहां पर आते हैं आपको रिएक्शंस गिवन है चार इन विच केस द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ फेवर्ड बाय डिक्रीज इन प्रेशर प्रेशर डिक्रीज करने से कौन से वाली रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन को फेवर करेगी या फिर हम अपनी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि प्रेशर डिक्रीज करने से कौन से वाली रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी ठीक है अब देखते हैं अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करवाती हूं तो इससे क्या होगा वॉल्यूम इंक्रीज करेगी क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम क्या है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर आपने प्रेशर को कम कर दिया वॉल्यूम बढ़ जाएगी ठीक है जैसे मान लो पहले अपने पास ही कुछ इस तरह का कंटेनर था हमने यहाँ पे ऊपर कुछ लोड रखा हुआ इसकी वजह से प्रेशर तो क्रिएट हो ही रहा है है ना तो पहले इतनी वॉल्यूम थी हमने प्रेशर को कम कर दिया मान लो पहले यहाँ पे कुछ ऐसे वेट रखा हुआ था हमने वेट थोड़ा कम किया अभी हमने सिर्फ इतना ही वेट रखा हुआ है तो क्या होगा प्रेशर कम हो गया ओवरऑल क्या हुआ इससे ये ऊपरी तरफ जाएगा है ना नहीं प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गई देखो पहले इतनी थी अब इतनी तो प्रेशर डिक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज करेगी अब ये चीज और देखो जो इसके अंदर जो भी गैस या जो भी स्पीशीज प्रेजेंट थे जब हम गैस की बात करते हैं स्पेसिफिकली क्योंकि जब भी बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की तो वो गैसेस का इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे होते हैं ठीक है तो यहां पर जितनी भी गैस पहले थी जैसे मान लो फाइव मोल्स थी तो है तो अभी भी फाइव मोल्स अगर हम ऐसे मान लें चलो पहले ये अपने पास पांच मोलिक्यूल थे इसके। है ना तो अभी भी रहेंगे तो ये पांच ही डिफरेंस क्या है पहले थोड़े पास पास थे अभी दूर हो गए है ना तो नंबर ऑफ मोल्स से तो सेम रहने वाले हैं तो हम ये कहेंगे जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करेगी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे मैंने क्या बोला है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होंगे पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होंगे वॉल्यूम के बढ़ते ही क्योंकि पहले अगर मैं आपको मान लूँ मैंने क्यू बनाया इसके अंदर ज़्यादा मोलिक्यूज़ होंगे है ना अभी क्या हुआ वहां पे क्यूब बनाओ पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं अगर तो नंबर ऑफ मोलिक्यूज़ कम हो गए उसके अंदर तो हम ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएंगे अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो ठीक बात है तो अभी ना हम क्या करते हैं ले चटली प्रिंसिपल में कि जब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा वो ट्राई करेगा खुद को

वन प्लस वन टू यहाँ पे भी इतने टू है, है तो रेश को फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर नंबर ऑफ मोस्ट गैश स्पीशीज के दोनों साइड सेम है तो प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला ठीक है इसको भी हटा दो यहाँ पर देखते हैं टू और यहाँ पे टू प्लस वन थ्री यानी कि ज्यादा वाले को फेवर करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ऑप्शन डी मार्क करेंगे ओके okay, ये वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है इसमें ऐसा नहीं कि हमने तो आने की कुल पढ़ा ही नहीं हुआ ऐसी बात है ही नहीं कुछ भी देखो एक बार प्योर वाटर की बात हो रही है और फिर ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया है तो पीएच और पीओएच पे क्या फर्क पड़ने वाला है देखो अगर हम वाटर की बात करते हैं तो हमें पता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शली डिसोसिएट करता है कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं है ना मान लो मैंने इसके इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट को लिखा के ठीक बात है आयंस है तो यहाँ से के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन

है ना ये आ गया सो मेन पॉइंट अपना ये है कि ये है तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है ना और हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा था दो पहले वाले क्वेश्चन जो भी था पहले हम देख चुके हैं कि जो अपने पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है किस पे होता है सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो इसकी वैल्यू में भी चेंज आएगा करेक्ट है तो एक चीज तो क्लियर हुई है यहाँ पे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा ना तो वैल्यू तो इंक्रीज या डिक्रीज होनी है चेंज तो पक्का आना है ठीक बात है अब देखेंगे चेंज आएगा कैसे देखो हम ये कहते हैं अगर पीएच की बात करें पीएच होता है माइनस लोग ऐसे ही अगर हम बात करें पीओ की ये होता है माइनस लोग ऑफ ओ एच माइनस अभी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इस वाले रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा या फिर मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि जो ये वाला प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस है एंडोथर्मिक ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ठीक है सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिसोसिएशन बढ़ेगा यानी कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज करेगी और OH एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज करेगी ठीक है इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है और हमने कहा है कि पी एच इज इक्वल टू माइनस लोग ऑफ एच प्लस होता है यहां पे इस माइनस साइन की वजह से मैं ये बोल सकती हूँ कि जो पी एच है वो एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी H प्लस की पीएच उतना ही कम होगा ठीक बात है तो हमने ये कहा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिसोसिएशन बढ़ेगा जिससे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो पीएच तो डिक्रीज करेगा ठीक है पीएच डिक्रीज हुआ सेम कहानी OH- की भी है अगर यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी आगे लगा नेगेटिव पी ओ एच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलेशन सेम हो गया ठीक है यानी कि पी एच और पीओ एच दोनों की ही वैल्यू डिक्रीज करेगी विद राइज इन टेम्परेचर इसलिए हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी ठीक है आई होप क्लियर हो गया होगा सिक्स क्वेश्चन देखते हैं ओके सिंपल क्वेश्चन है कुछ नहीं है इसमें एक बार रीड कर लो आपको सोल्यूशन का पी एच निकालना है सोल्यूशन कैसे बनाया गया है एन यूएच लिया एस सी ए लिया पहले एन लिया है कितना पॉइंट वन मोलर ट्वेंटी फाइव एम एल हम एक काम करते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं एनओ एच के ठीक है कैसे निकालेंगे सिंपल सी बात है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय में वॉल्यूम होता है तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर दूंगी मैं तो मोलैरिटी है पॉइंट वन इंटू वॉल्यूम है ट्वेंटी फाइव तो ये अपने पास आएंगे क्या मिली मोल्स ठीक है तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा 2.5, 2.5 मिलीमोल्स। ऐसे ही हम क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे एच के एच ली गई है 25 फाइव 25 एल और मोलैरिटी है 0.08 मोलर ठीक है यहां से वन फोर वन टू कितना आया टू मिली मोल्स तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस OH जितने मोल्स होंगे, OH होंगे तो ओव एच माइनस के टू पॉइंट हैं और एच प्लस के टू मिली मोल्स और ओव OH एच माइनस मिलकर वॉटर बनाएंगे एच प्लस अपने पास टू मिली मोल ओवे माइनस है टू पॉइंट फाइव मिली मोल जब ये दोनों आपस में आसपास आएंगे न्यूट्रलाइज होंगे वाटर ये फॉर्मेशन करेंगे ठीक बात है अभी एक चीज देखो ये कम है ये ज्यादा वन मोल प्लस वन मोल से वन मोल मिलते हैं टू से टू के साथ टू ही कंबाइन कर पाएंगे पॉइंट फाइव एक्स्ट्रा बचेगा तो यहां से हम कह देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ एच माइनस पॉइंट फाइव है पॉइंट फाइव मिली मोल्स जैसे ही आप इन दोनों को कंबाइन करवाते हो ओवरऑल ये होने वाला है जो कॉमन वाले एच प्लस OH है वो न्यूट्रलाइज कर लें आपस में ये एक्स्ट्रा बचेगा कितना पॉइंट फाइव मिली मोल्स ठीक है तो ये हमने निकाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ एच माइनस ध्यान रखना माइनस के निकले हैं ठीक है थीखे? तो यहां से अगर मुझे निकालनी हो ओवे माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालूंगी मैं नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स तो है हैं बाय टोटल वॉल्यूम देखो पहले एन एच और एस एल को मिलाया गया मिलाने के बाद जो भी सॉल्यूशन बना है ना उसको डाइल्यूट कर दिया गया है अप टू तो हंड्रेड एम एल यानी कि वॉल्यूम कितनी है 500 ml है फाइव हंड्रेड एम एल मिली से मिली कैंसिल किया बचाइए मोल पर लीटर मोलर में आ गया आंसर कितना आएगा ये टेन टू दावर माइनस थ्री मोल पर लीटर ये कॉन्सेंट्रेशन आई है ओवेच OH माइनस की करेक्ट है तो अभी देखो ओवेच OH माइनस अपने पास है यहाँ से हम निकालेंगे pOH कितना होगा माइनस लोग ऑफ ओवेच माइनस यानी कि टेन टू दावर माइनस थ्री ये आ गया थ्री के इक्वल ये हमने निकाला pOH हमें तो पी एच चाहिए था ऑप्शन ए मार्क मत करना ये वाली मिस्टेक हो सकता है आपने कर दी हो तो हमसे पी ओ एच नहीं पी एच पूछा है एंड पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू फोर्टीन होता है सो पी एच निकालने के लिए फोर्टीन माइनस थ्री करके इलेवन लिखना था ठीक है ऑप्शन बी जिसने ये करेक्टली अटेम्प्ट किया और यहाँ पे यहाँ से निकाल के डायरेक्टली थ्री मार्क कर दिया है थोड़ा सा ध्यान दो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आगे देखते हैं ओके okay. आपको एक अमीनो एसिड है उसकी पी के ए वैल्यू गिवन है आपको बताएं वो वाला पी एच जिसपे अमीनो एसिड फाइव परसेंट डिसोसिएट हो जाएगी कैसे करेंगे देखो मान लेते हैं अमीनो एसिड को मैंने लिखा एच ए तो ये वीक एसिड ऐसे ही दिखाएंगे ऐसे दिखाएंगे ठीक है मान लेते हैं स्टार्टिंग में इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी है ये जीरो जीरो सी माइनस सी एल्फा सी एल्फा सी अल्फा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट को मैंने लिखा के ए एसिड का डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट तो यहाँ से आई कैन से के ए इज इक्वल टू सी एल्फा इन सी एल्फा अपॉन सी माइनस सी एल्फा कॉमन ले लिया कट हो गया के ए इज इक्वल टू आ गया मेरा सी एल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस एल्फा करेक्ट है अब मैं ये मान के कि वैल्यू कितनी है सिर्फ फाइव परसेंट डिसोसिएशन है फाइव परसेंट यानी कि फाइव अपॉन हंड्रेड एल्फा की वैल्यू कितनी आई जीरो पॉइंट जीरो फाइव इसको हम वन के कम्पेरिजन में इग्नोर कर सकते हैं इग्नोर करते ही यहां से हम कह सकते हैं के ए इज इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर ये रिलेशन है मैं क्यों कर रही हूं ये सब क्योंकि मुझे निकालना है पी एच और पी एच निकालने के लिए मुझे चाहिए होगी एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है ना एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और एच प्लस कितना है एच प्लस है सी एल्फा एल्फा की वैल्यू मेरे पास है जीरो पॉइंट जीरो फाइव लेकिन सी की वैल्यू नहीं है तो वो मुझे कैलकुलेट करनी है यहां से आई कैन से सी इज इक्वल टू के ए अपॉन एल्फा स्क्वायर के ए की वैल्यू भी अपने पास है और अल्फा की वैल्यू भी अपने पास है हमें क्या चाहिए था हमें चाहिए था एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस कितना है सी अल्फा सी के प्लेस से मैंने लिखा के ए अपॉन एल्फा स्क्वायर इन एल्फा है एल्फा से स्क्वायर कैंसिल गया बचा के ए अपॉन एल्फा तो ये आपके पास एच प्लस आएगा फिर पी एच तो निकाल ही लेंगे अब ना क्वेश्चन में के ए गिवन नहीं है पी के ए गिवन है एंड पी के ए इज इक्वल टू माइनस लोग ऑफ के ए है ना और पी के ए की है कितना 9.15 9.15 इज इक्वल टू माइनस लोग ऑफ के ए और यहां से हम कह देंगे के ए इज इक्वल टू टेन टू द पावर माइनस नाइन पॉइंट वन फाइव ठीक है मैंने यहां लिखा के हो गया टेन टू दावर माइनस नाइन पॉइंट वन फाइव डिवाइड बाई एल्फा विच इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव इसको हम करेंगे सॉल्व आपके पास कैलकुलेटर अलाउड होगा आप इसको कर लो सॉल्व और सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा 1.41 1.41 फोर वन टेन टू द पावर माइनस एट ये H प्लस आया है यहाँ से हम pH एच निकाल लेंगे pH एच इज इक्वल टू माइनस लोग ऑफ एच प्लस यानी कि माइनस लोग ऑफ वन पॉइंट फोर वन इंटू टेन टू द पावर माइनस एट अब इसको करेंगे सॉल्व और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा सेवन पॉइंट एट सेवन एट फाइव के आसपास आएगा, सेवन पॉइंट एट फाइव आएगा जो कि नियरेस्ट सी सी के तो ऑप्शन डी मार्क कर देंगे ठीक है आगे देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन वाले पोर्शन से है एक बार रीड कर लो पूरा देखते हैं क्या क्या, क्या गिवन है क्या क्या, क्या निकालना है तो यहाँ पर ना वाटर के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया गया है जिससे फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ है

और ये है क्रायोस्कोपी कांस्टेंट यानी के एफ के एफ की वैल्यू दे रखी वन पॉइंट एट सिक्स ऐसे ही आपको के बी की वैल्यू भी दे रखी है कितनी को पहले मोल पर के जी मोल पर के जी ऐसे ऐसे ही केबी की वैल्यू भी गिवन है पॉइंट फाइव वन मोल पर केजी ऐसे ठीक है कैसे करेंगे देखो सबसे पहले मैंने इन दोनों को यूज करना है कैसे यहां से हम कह देंगे डेल्टा टी एफ यानी कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू के एफ इन टू तो मुझे मोलैरिटी की वैल्यू चाहिए सबसे पहले यहां से मोलैरिटी इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपोन के एफ डेल्टा टी एफ है पॉइंट वन एट सिक्स कैलविन और के एफ की वैल्यू है वन पॉइंट एट सिक्स कैलविन ऐसे कैलविन से कैलविन कैंसिल होगा ठीक बात है और यहां से सॉल्व करने के बाद यह जाएगा वन बाय टेन यानी कि पॉइंट वन पॉइंट वन देखो पावर कितने माइनस वन ऊपर ले जाओ पावर प्लस क्यों हो जाएगी यानी कि पॉइंट वन मोल पर के जी पॉइंट वन मोल पर के जी ये एम की वैल्यू आई है ऐसे ही अब मैं डेल्टा टी भी काउंट कर सकती हूँ डेल्टा टी भी क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी भी इज इक्वल टू के बी इन टू के बी की वैल्यू अपने पास है ऑलरेडी 0.51 मोल पर के जी इनवर्स इन टू एम कितना निकाला हमने 0.1 मोल पर के पावर कितनी है वन है ना तो इससे इनवर्स वाला कैंसिल आंसर किसमें आएगा कैलविन में सॉल्व कर लो ये हो गया अपने पास जीरो पॉइंट ये आई है वैल्यू डेल्टा टीबी एलिवेशन इन इक्वल टू टी बी, 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 बी फाइनल वाला जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया है सोल्यूट एड करने के बाद माइनस जो इनिशियली था है ना तो फाइंड आउट तो करना है इसकी वैल्यू दे रखी है, ये हमने निकाल लिया so, तो यहां से टी बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी प्लस टी बी और डेल्टा टी बी हमने निकाला कितना जीरो पॉइंट जीरो फाइव वन कैलविन और इन बस कितना थ्री सेवनटी थ्री पॉइंट वन फाइव हाँ थ्री सेवनटी थ्री पॉइंट वन फाइव कैलविन सॉल्व कर लो ये हो जाएगा कितना ऑप्शन ए, थ्री थ्री पॉइंट टू अगर लिखना है तो लिख लो सेवेंटी थ्री पॉइंट टू ली देंगे सही है ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आगे देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन देखने में जितना लेंदी लग रहा है क्वेश्चन उतना है नहीं ऐसे वाले क्वेश्चन में ना ऑप्शन एलिमिनेट करने का ट्राई करो जैसे बिना सोल्यूशन के ही हम ये बोल सकते हैं कि जो ये वाला सोल्यूशन है यहां पर आपसे एच सी एल जिसे कॉन्सेंट्रेशन कितने टेन टू माइनस एट का पी एच पूछा हुआ है अब क्योंकि ये एसिड है तो कॉन्सेंट्रेशन जितनी मर्जी हो पीएच इसका सेवन से कम ही रहेगा ऑप्शंस देखो सेवन से कम वाली दो वैल्यूज हैं एक तो ये है और एक ये है अब ना कॉन्सेंट्रेशन दे रहे हो टेन टू दि पावर माइनस एट तो वैल्यू इतनी कम तो होने से रही है ना ये कब होगी अगर हम बोलते टेन टू दावर माइनस थ्री के आसपास मोलैरिटी है तब तो कुछ इसके आसपास पहुंचता है ना अभी दे रहे हो वैल्यू तो क्या होगा इतना ही आएगा तो मैं डायरेक्टली बिना सॉल्व करें मुझे ये पता है क्योंकि एसिड है ना तो सेवन से ऊपर नहीं जाएगा पीएच ये पक्का श्योर है तो दो बचते हैं बस वन या फिर फोर ठीक है और फिर हम यह भी कह सकते हैं कि जो क्यू है उसका वन आएगा फिर फोर आएगा क्यों का वन और फोर कहीं है फोर है ही नहीं सिर्फ वन ही दिया हुआ है वैसे भी कर सकते हो तो ऐसे करते ही ऑप्शन हो गया इसका आंसर कुछ सॉल्व करने की नीड नहीं है क्लियर है इसके बाद एक चीज और देखो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं यहां पर देखो हमें ना फाइंड आउट करना है पीके बी अभी का रिलेशन होता है पीके बी प्लस पीके ए इक्वल टू पी के डब्ल्यू ठीक है हम निकाल सकते ना माइनस ऑफ, ऑफ, एक माइनस टू इज पी के डब्ल्यू कितना होता है फोर्टीन होता है तो यहां से हम कह देंगे पीके डब्ल्यू पी के बी इज इक्वल टू फोर्टीन ये प्लस सिक्स हो जाएगा माइनस सिक्स कितना एट तो इसका एट होना चाहिए यानी कि पी का सेकेंड होगा वो तो वैसे सॉल्व कर चुके हैं ठीक बात है इस वाले केस में आपको पी निकालना है टेन टू दावर माइनस टू मोलर एसिटिक एसिड सोल्यूशन का जैसे हमने वो अमीनो एसिड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही करेंगे आपके पास के ए गिवन है हम बोलेंगे के ए इज इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर होता है है ना आपके पास सी की वैल्यू है के ए की वैल्यू है यहाँ से एल्फा निकालेंगे एल्फा निकल गया एच प्लस कैसे निकालेंगे एच प्लस इज इक्वल टू सी एल्फा गिवन है एल्फा यहां से फाइंड आउट कर लेंगे H प्लस आ गया H प्लस के आते ही पी एच अच्छा आएगा ठीक है लास्ट वाला देख लेते हैं खुद से ही कर लेंगे last वाला हम देख लेते हैं। तो यहां पर ना दो सोल्यूशन लिए गए दोनों की इक्वल वॉल्यूम को मिक्स कर दिया गया एक सोल्यूशन था इसका pH थ्री था एक था पी एच फाइव लेट से इसकी वॉल्यूम वी ली गई है तो इसकी वॉल्यूम भी वी ही लेनी पड़ेगी क्योंकि दोनों की इक्वल वॉल्यूम ली गई इनको मिक्स किया गया है है ना तो ऐसा करके यहां से मैं एक काम कर सकती हूं एच प्लस कितना रहा होगा टेन टू दावर माइनस थ्री वाले सोल्यूशन में यहां पर एच प्लस कितना रहा होगा टेन टू दावर माइनस फाइव है ना तो अगर हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो क्या होगा देखो मैं निकालना चाह रही हूं यहां से नंबर ऑफ मोल्स किसके H प्लस के कैसे निकालेंगे यहां इस वाई सोल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स प्लस इस वाय सोल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स है ना ऐसे निकालेंगे कैसे निकलेगा कॉन्सेंट्रेशन टें माइनस थ्री इंटू में वॉल्यूम प्लस कॉन्सेंट्रेशन यहां से इंटू में वॉल्यूम ऐसे निकालेंगे ठीक है तो ये अपने पास टोटल मोल्स आ गए सोल्यूशन बनने के बाद के सही है अब ना क्योंकि पीएच निकालना है और पी एच होता है माइनस लोग ऑफ एच प्लस तो हमें अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन बना है उसकी एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ही चाहिए होगी तो यहाँ से एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए टोटल मोस्ट बाई में टोटल वॉल्यूम मोस्ट कितने हैं टेन टू द पावर माइनस थ्री वॉल्यूम मैंने कॉमन निकाले हैं यहाँ से प्लस टेन टू द पावर माइनस फाइव यही है डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम यहाँ से वॉल्यूम वी यहाँ से वॉल्यूम वी वी प्लस वी टू वी वी से वी कैंसिल कर दो यह आपके पास आ जाएगी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इसको सॉल्व करना सॉल्व करने के बाद ना आंसर आएगा एक सेकेंड हाँ आंसर आएगा 0.505, 0.505 फाइव ज़ीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री ये आएगी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और फिर हम निकाल लेंगे पी एच माइनस 0.505 गॉफ जीरो पॉइंट फाइव जीरो फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री सॉल्व कर लेंगे सॉल्व करने के बाद अपना आएगा आंसर थ्री पॉइंट टू नाइन सिक्स थ्री पॉइंट टू नाइन सिक्स एक सेकेंड ओके okay. ये हमने पी एच निकाला है ठीक है और क्वेश्चन में पूछा गया है पी एच तो वही करेंगे पी एच इज इक्वल टू फोर्टीन माइनस पी एच सो फोर्टीन माइनस थ्री पॉइंट टू नाइन सिक्स टेन पॉइंट समथिंग आएगा ऑप्शन देख लो कौन सा है टेन पॉइंट सेवन आ रहा है यानी कि एस का थ्री हो जाएगा ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना ठीक है ऐसे करना है अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ओके क्या चेंजेस आएंगे अगर हम इस रिएक्शन के अंदर जो हाइपोक्लोरस एसिड है यानी कि जो एच है उसको डाइल्यूट करके डाल दें पहले पॉइंट वन मोलर था अब हमने उसको डाइल्यूट करके कर दिया है जीरो पॉइंट जीरो वन मोलर तो क्या होगा देखो सिंपल सी बात है जो भी अपने पास वीक एसिड्स होती हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड भी अगर होंगी तो जैसे ही सोल्यूशन को डायल्यूट किया जाएगा डिसोसिएशन बढ़ जाता है उनका ये वाला पोर्शन हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं है ना तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही है तो अगर डिसोसिएशन बढ़ेगा तो क्या होगा एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी है ना तो ऐसे करके हम मार्क कर रहे हैं ऑप्शन बी कि जो भी आयनाइजेशन है वो इंक्रीज करेगा ठीक है जितनी फ्रैक्शन पहले आयनाइज हो रही थी एसिड उससे ज़्यादा ही होगी अभी इसलिए हम मार्क कर रहे हैं ऑप्शन बी ठीक है तो यहाँ पर आपका ये टेस्ट कंप्लीटली सॉल्व होता है आई होप कुछ कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए होंगे टेस्ट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट आपका टेस्ट होगा कल बायर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ लेना उसको अच्छे से हैप्पी लर्निंग